नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNDTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, आगे इसी वीडियो में जानेंगे हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ट्रैक्टर रैली को लेकर के राकेश टिकैत बोले, हम देखना चाहेंगे कि हम देश प्रेमी हैं या हमें रोकने वाले देश की गद्दार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का बड़ा ऐलान कर रखा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दिल्ली पुलिस को तय करना है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। शीर्ष अदालत ने जोर देकर के कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अच्छी बात है, कानून व्यवस्था पुलिस को देखनी चाहिए। तो वहीं हम कह चुके हैं कि आउटर रिंग रोड पर परेड करेंगे, पुलिस आए बात करे और रास्ता दे। तो वहीं टिकैत ने आगे कहा है कि गणतंत्र दिवस मनाने से देश के नागरिक को संवैधानिक संस्थान या पुलिस रोक नहीं सकती है, ये यहां पर कर दिया है राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, किसानों के आंदोलन स्थल पर सक्रिय हुई है खुफिया विभाग की टीम, हर छोटी बड़ी सूचनाओं पर रख रही है नजर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच यूपी गेट पर चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और यहां किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। तो वहीं खुफिया विभाग जुटा रहा है विवरण, खुफिया विभाग की टीम आंदोलन स्थल पर लगातार सक्रिय है, यहाँ की हर छोटी बड़ी सूचनाओं पर नजर रखी जा रही है। अधिकारी आंदोलन स्थल पर आने और जाने वालों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, ट्रैक्टर रैली पर किसानों के संग मंथन, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं बातचीत। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर SS यादव और एडिशनल DCP किसान नेताओं के साथ सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर के किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। किसानों के 6 प्रतिनिधि 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के तौर तरीकों को लेकर के चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि रैली निकालने की अनुमति के लिए एक औपचारिक पत्र दिल्ली पुलिस को दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने प्रतिनिधियों से उन्हें रैली की योजना के बारे में बताने को कहा है। किसान संगठनों ने कहा है कि वे दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो 50 किलोमीटर लंबी होगी। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी को लेकर के देख सकते हैं अब किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, सूचना के अधिकार पर अब न्यायपालिका का वार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सूचना के अधिकार ने देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में काफी मदद की है। इस अधिकार ने सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका अदा की है। आम आदमी से सरकारें डरने लगी हैं। सरकारों ने इस कानून को खत्म करने की हर संभव कोशिश की है। अब यह कानून दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले से पूरी तरह से बेअसर हो सकता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला हैरान करने वाला है, जिसके बाद सूचना का अधिकार यानी कि RTI कानून पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा और स्वतंत्र हैसियत वाला केंद्रीय सूचना आयोग एक आम सरकारी महकमे की तरह हो जाएगा, जिसका काम किसी भी सूचना को सार्वजनिक करने से इनकार करना ही रह जाएगा। RTI कानून को कुंद करने की कोशिशें केंद्र सरकार के स्तर पर तो पहले से ही हो रही हैं, लेकिन अब इस कानून को पूरी तरह से बेअसर बनाने की कवायद पहली बार न्यायपालिका के स्तर पर हुई है। दरअसल दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना मांगने का मकसद भी बताना होगा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली UPA सरकार ने इस कानून को संसद से पारित भी कराया और इसे लागू भी किया था। संसद में जब यह कानून पारित किया गया था तो उसमें विशेष तौर पर धारा 6(2) शामिल की गई थी। इस धारा के मुताबिक सूचना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई भी वजह देने की जरूरत नहीं थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 6(2) पर सीधे तो कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इतना साफ है कि इस फैसले से ये कानून कुंद हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, पहले मोदी सरकार ने कोशिश की तमाम तरह की कि आरटीआई को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, लेकिन जब मोदी सरकार कामयाब नहीं हुई तो अब आरटीआई पर न्यायपालिका ने किया है वार। इस खबर पे आप लोगों को क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी का पुतला जलाया गया, यूथ कांग्रेस बोली देश के इस गद्दार को जेल में डालो। आप लोगों को बताते चले, मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्णब गोस्वामी और बार्क के सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के सार्वजनिक किए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। रिपब्लिक टीवी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सर चढ़कर के बोल रहा है। दरअसल रिपब्लिक टीवी अक्सर राष्ट्रभक्ति के बड़े बड़े दावे और मिसालें पेश करती रहती है जो कि पूरी तरीके से फर्जी हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश की गई 500 पेजों की व्हाट्सएप चैट में देखा जा सकता है कि साल 2019 में फरवरी के महीने में हुए आतंकी हमले पर अर्णब गोस्वामी जश्न मना रहे थे। उन्हें इस आतंकी हमले में मारे गए जवानों के लिए दुख नहीं है, बल्कि चैनल की बढ़ रही टीआरपी रेटिंग के लिए खूब खुशी थी। अर्णब गोस्वामी के फर्जी राष्ट्रवाद पर भाजपा ने भी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अर्णब गोस्वामी की यह हरकत आम जनता को नागवार गुजरी है। देश के जवानों की मौत पर जश्न मनाना अर्णब गोस्वामी को काफी भारी पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं लगातार, जिसे इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में लोग अर्णब गोस्वामी का पुतला जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस ने लिखा है, जिस गद्दार को सलाखों के अंदर होना चाहिए उसे सरकार ने खुली छूट दे रखी है। जवानों की शहादत का जश्न मनाने वाले आतंकवादी के खिलाफ प्रदर्शनरत युवाओं ने पुतला जलाकर देशद्रोही अर्णब की गिरफ्तारी की मांग की है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है अर्णब गोस्वामी को लेकर के, और जेल में डालने की मांग लगातार की जा रही है अर्णब गोस्वामी को। तो वहीं इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए दिया है चंदा, पीएम मोदी को चिट्ठी लिख करके मांगा है हिसाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 रुपए का चेक इसके लिए दिया है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दिया है। तो वहीं राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने चेक के साथ ही पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जमा किए गए चंदे का हिसाब किताब देने की मांग की है। यह यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए चंदा दे दिया है, तो वहीं पीएम मोदी को चिट्ठी लिख करके मांगा है हिसाब किताब। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा मतदान हुआ तो क्रॉस वोटिंग को तैयार बैठे हैं बीजेपी के कई विधायक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार करने में पीछे नहीं हट रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद के चुनावों को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि अगर विधान परिषद के चुनाव में मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भागने यानी कि क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार बैठे हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों को लेकर के कर दिया है बड़ा ऐलान। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में किसान ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका दखल से इनकार कर अदालत ने कहा दिल्ली पुलिस इस पर ले फैसला। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 56 दिनों से लगातार जारी है। सभी दौर की बातचीत विफल रहने के बाद किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान दिल्ली के अंदर आएंगे या नहीं इसका फैसला पुलिस करेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को किसान नेताओं ने यहाँ अपनी बड़ी जीत बताया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों,
ट्रैक्टर रैली निकालना किसानों का संवैधानिक अधिकार है, ये यहाँ पर किसान संगठन का कहना है। केंद्र सरकार के तीनों ही नए विवादित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन के नेताओं ने कहा है कि शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकालना किसानों का संवैधानिक अधिकार है और 26 जनवरी को प्रस्तावित इस रैली में हजारों या लाखों कह लीजिए कि संख्या में लोग भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के बारे में फैसला करने का पहला अधिकार दिल्ली पुलिस का है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन पंजाब के महासचिव परमजीत सिंह ने कहा है कि किसान राजपथ और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में रैली नहीं निकालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे केवल दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर रैली निकालेंगे और इसे आधिकारिक गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुँचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।